सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में गिरिडीह विधायक व उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के साथ जागरूकता वाहन को समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक व उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर सड़क सुरक्षा माह अभियान की शुरुआत की गई। गिरिडीह द्वारा संचालित उग जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी, साथ ही जागरूकता वाहन के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं आम लोगों को ट्रैफिक के नियमों का अनुपालन करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने एवं किसी भी प्रकार का नशा का सेवन कर वाहन नहीं चलाना चाहिए एवं गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इससे ध्यान लीक होने का चांसेस बढ़ जाती है। वहीं इस दौरान उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह अभियान में सभी लोग आवश्यक रूप से सहयोग करें एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके तथा खुद की सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। वहीं उपायुक्त ने एक बात और कही कि वर्तमान समय में डिजिटल लॉकर तथा एम परिवहन मोबाइल ऐप से अपडेट होना अति आवश्यक है। एम परिवहन मोबाइल ऐप आपकी गाड़ी के सभी दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस को संभाल कर रखेगा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से एम परिवहन मोबाइल ऐप से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन कर सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें तथा ऐप परिवहन मोबाइल ऐप के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। वहीं इस ऐप के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। गायब हुई, चोरी हुई या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की पूरी जानकारी मिलेगी। गाड़ी का पंजीकरण सत्यापित किया जा सकता है। यदि आप पुराना वाहन खरीदते हैं तो उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला संपर्क पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। गिरिडीह से नवाज राजा की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के द्वारा आज सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। मेरे उपायुक्त महोदय और जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रथ का हरी झंडी दिखाकर परिचालन किया गया। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से तमाम वाहन चालकों से, वाहन मालिकों से इस बात की अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षा सर्वोपरि है। तो भैया वाहन पर चलें तो हेलमेट लगाकर जरूर चलें और साथ ही जिला प्रशासन के लोगों को वाहन जांच के दरमियान डिजिटल लॉकर एम परिवहन एक ऐप है जिससे गाड़ी की स्थिति, गाड़ी के मालिक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस का नाम किसका है, ये तमाम चीज़ें पता लग जाती हैं। तो अब फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ डिजिटल वेरिफिकेशन पर भी जाना चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने DTO साहब से बात की और जो कांस्टेबल हैं ट्रैफिक में जो पदस्थापित हैं उनको विधिवत DTO साहब बुलाकर अपने कार्यशाला आयोजित करके इस बात के लिए प्रशिक्षित कर देंगे। तो हमको लगता है कि सामान्य लोगों को रोज बरोज ये जो वाहन चेकिंग के दरमियान कागजात की जाँच से जो परेशानियाँ होती थी इनका समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर मैं दोहरा कर कहता हूँ कि जान सबसे कीमती चीज़ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाहनों को, चार चक्के वाहनों को धीरे और दोपहिया वाहनों में बगैर हेलमेट के चलना अपनी जान को जोखिम में डालना है। तो मेरी आपसे अपील है कि हेलमेट का प्रयोग जरूर से करें और अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल जरूर से रखें। जी सर, आज सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। माननीय सदर विधायक महोदय, जिला परिवहन पदाधिकारी तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस पूरे सड़क सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी
वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं तथा इन्फोर्समेंट एजेंसी सभी एम्पावर हों, सभी अपने आप को लगातार अप टू डेट करते रहें, सड़क सुरक्षा से जुड़े जितने भी नियम हैं चाहे वह वाहन मालिक को, वाहन चलाने वाले व्यक्ति को पालन करने के लिए बने हैं, चाहे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पालन करने के लिए बने हैं, तो उन दोनों में जितने भी नए नियम हैं सभी को लेकर अपडेट होते रहें। जैसा कि माननीय विधायक महोदय के द्वारा कहा गया, हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने डिजिटल लॉकर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने की। लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें रख सकते हैं और इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ चेक करते समय अननेसेसरी फिजिकल पेपर्स को उपस्थित कराने की बजाय लॉकर से ही पेपर्स को चेक कराते हुए ही सारे वाहन मालिकों को जाने की अनुमति दे सकते हैं। इससे समय की भी बचत होगी, अननेसेसरी रास्ते भर में जो ट्रैफिक जाम हो जाता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा मुक्ति मिल जा सकती है। इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा है आवश्यक है कि सभी वाहन मालिक अपने अपने गाड़ी को पूरी तरह से दुरुस्त रखें, पूरी तरह से फिट रखें, उसके सारे कागजात को भी ससमय अपडेट करते रहें, चाहे वह इंश्योरेंस से संबंधित हो, PUC से संबंधित हो, और जितने भी इक्विपमेंट गाड़ी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा कर रखने चाहिए उनको लगा के रखें। हेलमेट का प्रयोग टू व्हीलर्स के सभी पिलियन राइडर्स तथा मेजर राइडर्स अवश्य करें। जो भी खतरनाक स्थल हैं उन जगहों पर सड़क सुरक्षा के माध्यम से काफ़ी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी लगाने की कोशिश लगातार जारी है। स्पीड ब्रेकर्स लगाया जा रहा है, साइनेजेस लगाए जा रहे हैं, निगेटिव एंगल्स को हटाया जा रहा है, ज़ीरो बैरियर्स को हटाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से ही अगर यहाँ पे सहयोग मिलता रहा तो डेफिनेटली सड़क सुरक्षा माह का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा।